हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। तो इंडियन किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं आम की चटनी, जिसके लिए मैंने आधा किलो आम लिए हैं, गुड़ लिया है, काला नमक और कुछ मसाले लिए हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आम को अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसका हम छिलका उतार लेते हैं। सभी आम हमने छील लिए हैं। अब इसको पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। सभी आम को ऐसा ही पतला पतला काट लेंगे। एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें हम आम के पीस को डाल देंगे। एक चम्मच तेल डाला था, उसमें इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ में ही हम मसाले डाल देते हैं। थोड़ी सी राई, थोड़ी सी हल्दी, रंग वाली लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा मेथी दाना। काला नमक, थोड़ी सी कलौंजी, सफेद नमक। इन मसालों को आम के साथ अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कटोरी गुड़ लिया है, हम इसको आम में डाल देंगे और इसको भी अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब हम आम में गुड़ डाल देते हैं तो इसको 5 मिनट तक पकाना है, हमारी आम की लौंजी रेडी हो जाएगी। अब हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि हमारा आम भी पक चुका है अच्छे से और गुड़ भी पूरी तरह मेल्ट हो चुका है। अब हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इसको ठंडा कर आप पराठे के साथ, ब्रेड में, जैम की तरह यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।